कैसे हो मेरे भाई और बहनों? एक एक दिन जैसे ही गुजर रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज हो रही हैं, दिमाग में चिंता बढ़ रही है कि यार कैसे निकलेगा एग्जाम। अभी तो सिलेबस भी बहुत बचा हुआ है, करें क्या करें। ना चाहते हुए भी ध्यान भटक रहा होगा, मन में विचार भी आते होंगे अब नहीं निकलेगा एग्जाम है, अब मेरे बस की बात नहीं है, बहुत देख ली स्ट्रेटेजी, नहीं कर रहा कुछ भी काम। मैं उन सभी लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, अब ये एग्जाम खुद के लिए दो। एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है, एग्जाम खुद के लिए दो, खुद को ये दिखाने के लिए कि मैं हार नहीं मानता हूं, खुद को ये बताने के लिए कि हाँ पता है नहीं होगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं, फिर भी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा हारी हुई बाजी को जीतने की, ताकि जब एग्जाम खत्म हो जाए कम से कम दिल को सुकून हो कि मैंने अपना 100% दिया था। और कौन बोला कि अपनी बाजी आप हार चुके हो, मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी 20 दिन बाकी हैं। दूसरी बात, इन 20 दिनों के बाद और 30 दिन बाकी हैं, कैसे हार मान लूं यार मैं? मेरे पास अगर 50 दिन है तो मैं कैसे हार मान लूं? मैं तो नहीं मानता हूं, आप मानते तो अलग बात है, लेकिन मैं आप सबको ये बोलूंगा कि जब 50 दिन सामने है, एक सिंपल मैथ समझू तो, अगर मैंने 50 दिन फुल ऑन जोश फुल ऑन मोटिवेशन के साथ काम किया तो 50 × 100 5000 सवाल लगा सकता हूं। और 5000 सवाल लगाने का मतलब है कि धुएंधार परफॉर्मेंस धुआंधार रिजल्ट आने वाला है। मैं कैसे हार मान लूं, कैसे नंबर्स में अपने दिमाग से हटा दूं? हाँ पता है वक्त बहुत कम है, ठीक है अच्छी बात है ये तो पता है, लेकिन अगर नहीं लड़ा नहीं किया नहीं पढ़ाई की तब तो सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। लेकिन हाँ पढ़ लिया तो दो फायदे हैं, चाहे सिलेक्शन हो ना हो पर दो फायदे हैं कि एक अगर गलती सिलेक्शन हो गया तो उस बात की प्रोबेबिलिटी तो बनती है, पॉसिबिलिटी तो बनती है। दूसरी चीज, कम से कम जूझना सीख जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों टेंशन में हो आप लोग कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 99 आएगा नहीं आएगा, 98 आएगा नहीं आएगा, वो तो बात की बात है। अब दिखा दो घर वालों को, लग जाना चाहिए कि बच्चा हो गया मेरा पागल, दिखाओ तो सही। और कुछ ना सही तो घर वाले खुश होकर तुमको एक अच्छा गिफ्ट दे देंगे। तो ये मौसम डिमोटिवेट होने का नहीं है, ये मौसम जो है माहौल है पूरी ताकत के साथ लड़ने का जूझने का। और दिक्कत क्या है भाई, व्हाट्सअप है मेरा, करो मुझे मैसेज, बात करो मुझसे। आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान है कि भैया डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को समझा दो, दीवार पे चिपका दो कि आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण जी ने खुद ने कहा है कि फल की चिंता मत करो कर्म किए जाओ, तो आपको वही काम करना है। और इस समय तो बिल्कुल जरूर, इस समय तो सटीक बैठता है ये, क्योंकि जितनी मैं फल की चिंता कर रहा हूं उतना मैं अपनी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। समझा लो खुद को, नहीं होगा बोल दो खुद को, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना एक एटीट्यूड बनाना है, आई हैव टू गिव माय बेस्ट शॉट। दोस्तों लग जाओ काम पर, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहता हूं, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं वो नहीं हूं, मेरा व्यक्तित्व वो नहीं है कि आज हार मान ली तो कल किसी और चीज के लिए मान लूंगा। तो इसीलिए गिव योर बेस्ट शॉट, एक्सपेक्ट लेस वर्क मोर, और करते रहो जूझते रहो, हर दिन 100 100 सवाल लगाते रहो, भर भर के सवाल लगाओ, और क्या पता अगर सिलेक्शन निकल गया तो इस बात की संभावना बनती है। और इसी संभावना के लिए इसी उम्मीद के लिए लड़ना है जूझना है, क्योंकि नहीं किया तो नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।